नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, ITI से रिलेटेड सभी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, सभी अप्रेंटिसशिप जॉब अपडेट्स और ITI से रिलेटेड सभी कैंपस प्लेसमेंट अपडेट्स इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुँचाते रहता हूँ। तो गाइज, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से ITI अनुदेशक वैकेंसी के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट में लेकर आया हूँ। एक नई ITI अनुदेशक वैकेंसी जो है उसकी विज्ञप्ति ये जारी की गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है इसका जारी कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन जो है इसी वैकेंसी का 18 मई 2023 को जारी किया जाएगा। कौन से स्टेट में ये वैकेंसी है? हालांकि गाइस, ये वैकेंसी जैसे यहाँ पे बिहार स्टेट से आई है, बट यहाँ पे जो है सभी स्टेट वाले कैंडिडेट्स जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे ट्रेड वाइज कुल कितनी पद हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, और फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यार, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो श्रम संसाधन बिहार पटना, बिहार से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों CITS इसमें अनिवार्य है या नहीं है, इसके बारे में देखिए। इसका विस्तृत जो नोटिफिकेशन जारी होगा 18 मई को, उसमें हमें पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे बताया गया है कि ITI पास आउट कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है 23 मई 2023 से 22 जून 2023 तक कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है यहाँ पे, और विस्तृत विज्ञापन जो है इसका हमें 18 मई को मिलेगा। तो जैसे ही विस्तृत नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचा दूंगा। राइट, तो गाइस देखिए, ITI योग्यताधारी अभ्यर्थी है तो कुल 30 अलग अलग व्यवसायों, मतलब 30 अलग अलग ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या के बारे में। तो देखिए यार, यहाँ पे जो है ट्रेड वाइज पदों की संख्या बता रखी है। मशीनिस्ट के 3 हैं, रेफ्रिजरेटर एसी के 11 पद हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के 4 हैं, फिटर के 105 पद हैं, फिटर के 105। ठीक है, टर्नर के 8 हैं, मैकेनिक ट्रैक्टर के 2 हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 6 हैं, इसके बाद में मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के 5 हैं, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के 2 हैं, और मैकेनिक डीजल के 86 पद हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, वेल्डर के 76 हैं, प्लम्बर के 32, फाउंड्री मैन के 3 हैं, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स के 2 हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन के 4 हैं, इलेक्ट्रीशियन के 153 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन के कितने हैं गाइस? 153। ठीक है, काफ़ी बढ़िया संख्या में पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 130 पद हैं। इसके बाद में देखते हैं तो वायरमैन के 11 हैं, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के 5 हैं, सोलर टेक्नीशियन के 2 हैं, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस के 23 हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT के 5 हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी के 4 हैं, और टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ केयर के 9 हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 1 है, ड्राफ्टमैन सिविल की 11 हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के 119 पद है, सर्वेयर के 2 हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 85, राइट, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग के 1 हैं। तो इस तरीके से ये टोटल पद जो हैं लगभग 910 पद हैं ये टोटल, जिनके ऊपर ये इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है। राइट, तो यहाँ पे देखिए गाइस, एक नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है, व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर। देखो ध्यान से समझिएगा, व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर डिप्लोमा डिग्री योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापन अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि ये जो वैकेंसीज़ है ये केवल ITI स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, डिप्लोमा और डिग्री वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से विज्ञापन होगा। तो केवल ITI वाले ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। राइट, इस तरीके से गाइस ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, मैंने अभी आपको बताया 18 मई को जो है इसका डिटेल विस्तृत नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा, तब जो है और इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे क्लियर होगी। फिलहाल जो है वैकेंसी आ चुकी है, 23 मई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स ITI पास आउट हैं वो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर आवेदन करें गाइस, लाइफ चेंज करने वाला जो है ये जॉब है आपका, ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप लोग इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हो तो। राइट, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।